Hey guys, and welcome back to a brand new episode of Clash Royale. And for today's video, we're gonna be playing this 2.9 elixir Xbow cycle deck. Disclaimer, this video will be in Hindi, so if you want my English videos, you can check all the other videos on the channel. And I'll soon be releasing an English version of this deck. So Xbow ek siege card hai, bridge pe drop karo, baki sab card se defend karo, yahi is deck ki strategy hai. Ek aur version hai ice wizard and mega minion ka, wo main baad mein show karunga. बट बिना किसी देरी के लेट्स क्लैश। तो आज के पहले मैच के लिए मैं हूँ अगेंस्ट डीमन लेवल 10। ओह माय गॉड, लेवल 3 की प्रिंसेस। ओके, लेवल 2 आइस विज़र्ड। आई थिंक ये मैच या तो मैं हारने वाला हूँ या फिर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। आइस गोलम दोनों के लिए, आइस स्पिरिट मारी गई, स्केलेटन्स बैंडिट के लिए। ओ आइस विज़र्ड प्रिंसेस की रेंज से बाहर है। थोड़ा मेक अ नाइट टेस्ला उसके लिए एंड आर्चर्स नीचे। आई थिंक पूरा गेम यह जस्ट डिफेंडिंग में निकलने वाला है। आइस गोलम कहाँ जा रहा है भाई? ओके, फायर बॉल करना पड़ेगा इस हंटर को। अच्छा, स्केलेटन्स इस प्रिंसेस के लिए लेवल 3 की प्रिंसेस 3000 ट्रॉफी के रेंज में, क्या ही बोलूँ मैं। एनीवेज, आर्चर्स इस आइस विज़र्ड के लिए, आइस गोलम डिस्ट्रैक्ट। इन्फर्नो टावर, क्या कर सकते हैं अब हम? एक्सपो जा नहीं सकते क्योंकि वो सीधा इन्फर्नो टावर पे टारगेट करेगा। टेस्ला इसके लिए आइस, लेट हो गया स्पिरिट। काफ़ी मुश्किल मैच होने वाला है, ये हो ही रहा है। हम चाहें तो उसका मेगा नाइट बेट आउट करके एक्सपो जा सकते हैं, बट ओके आई थिंक डिफेंड करना पड़ेगा एक्सपो से पीछे थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसको टावर को टारगेट करें। अब स्केलेटन्स प्रिंसेस के लिए, ओह वो ऑलरेडी उसको मार देगा। आइस गोलम मेगा नाइट के लिए, आर्चर्स अलग साइड में क्योंकि अगर उस पर फायरबॉल हुई तो वो आर्चर्स टावर और एक्सपो तीनों पे एक साथ डैमेज करेगा। मेगा नाइट जाता हुआ, आइस स्पिरिट्स उसको फ्रीज करेंगे एक सेकंड के लिए एंड डन। हंटर भी गया, आई थिंक अब हम एक्सपो से काउंटर प्रेशर कर सकते हैं दूसरी लेन में। नहीं, टावर टेस्ला या बैंडिट, बैंडिट गई एंड बैंडिट ऑलमोस्ट गई। हमारा आइस विज़र्ड भी गया बट कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी वो इन्फिनो टावर पे टारगेट करेगा, पता था। हंटर के लिए आइस कॉलम जा सकते हैं बीच में, आइस कॉलम जाने पड़ेगा। आर्चर्स नहीं, अब डिफेंड करना पड़ेगा। आई थिंक टाइम नहीं बचा और उसने काफ़ी टाइम दे दिया हमारे टावर पे, ऑलरेडी डिफेंड करना पड़ेगा। आर्चर्स इसके लिए, टेस्ला मेगानाइट के लिए, स्केलेटन्स बैंडिट के लिए, एस्कुलम को प्रिंसेस को मारो भाई। आर्चर्स प्रिंसेस के लिए, देखो टेस्ला जाना पड़ेगा। बैंडिट के लिए स्केलेटन, फायर बर्न सबके लिए। 40 सेकंड और बस, इतना डिफेंड करना है। एक्सपो जाना पड़ेगा, ला भाई। मेगा नाइट डिस्ट्रैक्ट विद आइस कॉलम, आर्चर्स इधर, कोई स्पेल है ही नहीं। स्केलेटन्स प्रिंसेस को मारो प्लीज। फायरबॉल करेंगे इन दोनों को। ओ आइस विज़र्ड मिस हो गया। चलो एक्सपो डिफेंस में अच्छा काम तो कर रही है, एटलीस्ट ऑफेंस में नहीं किया तो। अच्छा गेम खेला, एक और एक्सपो। काफ़ी अच्छा डिपेंड किया हमने, हंसना तो बनता है। आई होप कि आज के बाकी मैचेस ऐसे वैसे मुझे ना मिले एंड वो भी थम्स अप दे रहा है। आई होप कि आगे मैचेस ना मिले ऐसे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैच के लिए रोनाल्डो। ओके, ये भी एक लेवल 10 है। आई होप कि लास्ट मैच की तरह ना हो क्योंकि वो मुझे पता है कैसे हमने डिफेंड किया। एंड एक गुड थिंग थी हमारे डेक के बारे में कि वो साइकिल डेक था, इसलिए काफ़ी अच्छे से हम बार बार टेस्ला बार बार एक्सपो ला सक रहे थे।
नहीं तो बहुत ही मुश्किल होता अगर कोई बीट डाउन होता या फिर कंट्रोल होता तो। आर्चर्स जाएंगे इसके लिए बैक में, इसके पास भी साइकिल टैक लग रहा है कोई। फायर बॉल करेंगे इस मेगा मिनियन को। मेरे फायर बॉल ऑनली लेवल 6 है, मुझे अपग्रेड करनी पड़ेगी। ओके कैनन में भी ये हॉग डेक, नो आइडिया अभी तक। आई स्पिरिट लेवल 8 है, कोई फ़ायदा नहीं ब्रिज पे जाने का, कुछ फायदा नहीं होगा। विजिट एक्सपो जाएंगे। आई स्पिरिट किसी चीज़ के लिए, हॉग राइडर टेस्ला स्केलेटन्स इसके लिए। आइस गोलम को फ़ायदा हुआ नहीं, बट एक्सपो हमारी टावर पे लॉक करेगी। डैमेज जैप 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 बूम, काफ़ी डैमेज मिल ही गया एक्चुअली में। अरे भाई कोई तो रोक ले। आई स्पिरिट हॉक राइडर के लिए एंड आर्चर्स। हॉक राइडर एक हिट मिलेगा उसको शायद बस, यस। तो फायरबॉल, काफ़ी फायरबॉल्स लग जाएंगे इस टावर को डाउन करने में। एक एटलीस्ट एक ना एक एक्सपो लॉक तो चाहिए होगा हमको। तो काफ़ी अच्छा गेम है, उस पर हॉक साइकिल है दिख रहा है, बट हॉक साइकिल को हम टेस्ला से काउंटर कर सकते हैं। आई थिंक ये मैच हमारे ही झोले में जाने वाला है। एक और फायर बॉल इसको, ये तो टावर से चले जाएगा। आइस कोलम बीच में एक्सपो डिफेंड के लिए, एंड विजर्ड भी गया। अब लाओ हॉग, गिव अप कर दिया क्या उसने? स्पिरिट स्केलेटन्स, यार उसने गिव अप कर दिया। अच्छा गेम था, पता ही था उसने गिव अप करना था, क्योंकि हमारे पास यू नो हॉक के लिए दो काउंटर्स हैं, एक टेस्ला एक एक्सबो। फिर से दो एक्सबो लगाएंगे, टेस्ला तो नहीं लगा। चलो एटलीस्ट किसी फील्ड में तो हम रोनाल्डो से आगे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। ओके नेक्स्ट मैच के लिए हम हैं लेवल 8 के अगेंस्ट। ओके ये पक्का प्रो होगा, क्योंकि यह इस ट्रॉफी रेंज में उल्टा होता है, जो लेवल 10 या लेवल 11 होते हैं वो नूब होते हैं और लेवल 8 एंड 9 वाले प्रो होते हैं। सेंसेशनल। ओके इसको फायर बॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी वो कुछ और ड्रॉप करेगा तब कर सकते हैं फायर बॉल। हाँ अब करेंगे फायर बॉल किया, आई स्पिरिट रुकने के लिए। ओके तो आर्चर्स विजिट के लिए ज़रूरत नहीं थी, तीन एलेक्सर वेस्ट कर दिया, टावर उसको ऑलरेडी मार ही देता। मैच शुरू हुआ नहीं कि गलतियाँ शुरू। ओके तो उसके पास है विजर्ड बैंडिट एंड इन्फर्नो टावर, क्या हो सकता है? जायंट बलून हॉग नहीं होगा, बलून टेस्ला बलून के लिए। फ्रीज जैप करेंगे इसको, चलो एटलीस्ट उसका इन्फर्नो टावर तो नीचे गया। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नहीं पता क्या करूं, स्केलेटन्स या आई स्पिरिट्स से साइकिल करेंगे। एक काम कर सकते हैं उसके बलून फ्रीज के लिए कि उसका जब वो फ्रीज करें हमारे टेस्ला को तब हम आर्चर्स जाएं, बट फिलहाल मुझे आर्चर से यहाँ डिफेंड करना पड़ेगा। जैप करेंगे इसको, बट स्टिल एक्सिक्यूशनर हमारे टेस्ला को हमारे एक्सपो को छोड़ेगा नहीं। एक्सपो मेरी लेवल 3 है ओनली, कल ही मैंने रिक्वेस्ट करके 3 की है, नहीं तो लेवल 2 थी मेरी, वो तो और ही बकवास थी। उसका बैलून आने वाला होगा, टेस्ला रेडी रखते हैं। कहाँ है तेरा बलून? आया स्केलेटन्स स्पिरिट टेस्ला फ्रीज करेगा तो आर्चर्स, यही इसी की बात कर रहा था मैं। एक्सपो यहाँ पे आइस कोलम बैंडिट के लिए,
Oh, ice spirit is. Oh, क्या टाइमिंग थी लॉक की. अच्छा खेला उसने, बहुत अच्छा खेला. मैंने कहा था ना प्रो होगा वो. टेस्ला यहाँ पे. ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने. आई थिंक ये गलती की वजह से मुझे यहाँ से मैच चले जाएगा. आइस कॉलम यहाँ. फायर ब्रो करना पड़ेगा, जैप रोटेशन में ही नहीं है. ओके, तो एक्सबो ने लॉक किया टावर पे, बट एग्जीक्यूशनर नेवर माइंड. आई थिंक ये वाला मैच भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जीतने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे. ड्रॉ ही एक तरीका है जिसकी वजह से मैं ट्रॉफीज़ लूज़ करने से बच पाऊँ. एक और टेस्ला इस बलून के लिए. आर्चस रेडी रखते हैं अपोजिट साइड में जाने के लिए, क्योंकि वो फ्रीज करेगा पक्का, मैंने कहा था. आर्चस काफ़ी अच्छा है, बट आइस गोलम इसके लिए, लेकिन मैं लेट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. बैंडिट, चलो एटलीस्ट बैंडिट और विजर्ड का ध्यान हमारी एक्सपो रख लेगी. एक्सपो बहुत ही सीरियसली बहुत ही यूनिक कार्ड है. इसे तुम अटैक भी कर सकते हो, इसे तुम डिफेंड भी कर सकते हो. जस्ट लाइक ए बैटल रैंक, बैटल रैंक पर अटैक करता है, देन उसके बाद डिफेंड करता है. यहाँ पे टेस्ला जाने की जगह नहीं हमारे पास. आइस स्पिरिट्स इसको फ्रीज करेंगे. आर्चर्स यहाँ पे, जैप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने क्यों कर दिया. आइस कॉलम यहाँ पे, फायर बॉल इसके लिए. ओह, उसने एक्सबो ही फ्रीज कर दी. फ्रीज बहुत काम आता है इस ट्रॉफी रेंजेस में. मेरा बस, मेरे पास ओनली लेवल 1 है अभी, क्योंकि एक ही कार्ड मिला है जिसमें जिसे अनलॉक किया है. काफ़ी अच्छा है. एक और टेस्ला इसके लिए, आई स्पिरिट फ्रीज करने के लिए. अच्छा खेला उसने, बट हमने भी थोड़ा सा ही अच्छा खेला. स्टार्टिंग में गलती की थी, बट ठीक था काफ़ी. तो ओके, एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गई हमारी. लेट्स सी, एपिक मिलेगा एक फ्रीज. ओके, मैं अपना फ्रीज लेवल 2 कर सकता हूँ, क्या बात है. नेक्स्ट मैच शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन मिलता है इस बार हमको. मेसी, ओ मेडियोस, लेवल 9. क्या कर सकते हैं इसमें हम. इसमें अच्छा स्टार्टिंग हैंड है. आइस कॉलम या आर्चर, दोनों में से किसी से भी शुरुआत कर सकता हूं मैं. आर्चर से करने की सोच रहा हूं, आर्चर से ही करूँगा. वेलकुरी, वेलकुरी के लिए आइस कॉलम रेडी है. टेस्ला में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मे बी उस पर जायंट हो. आइस कॉलम प्रिंस. ओके, फायर बॉल करेंगे इसको. चलो एटलीस्ट प्रिंस तो गया. ओह, डिफेंड अच्छा किया, बट आई थिंक मैंने उससे ज़्यादा एलिक्सिर स्पेंड कर दिया है. 3 and 2, चलो छोड़ो, बाद में रिकवर कर लेंगे इसको. तो उसके पास है वल्कुरी, ये सब. काश मेरे पास स्पार्की डेक होता, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती. क्योंकि याद होगा मैंने उसी जो अपनी स्पार्की डेक की वीडियो बनाई थी, स्पार्की साइकिल, उसमें सेम ऐसे मुझे डेक मिला था. टर्नेडो एक सब करो और छोड़ो. इस आइस, आई मीन इस जायंट स्केलेटन के लिए टेस्ला रोटेशन में नहीं है. आर्चर्स जाऊंगा, देन आइस कॉलम यहाँ पे डिस्ट्रॉक्ट करने के लिए. जैप करेंगे इस मिनी नोट को, बहुत ही पॉजिटिव ट्रेड मिली. 5 to 2, चलो एटलीस्ट गया. अब आई थिंक हमारे पास टाइम है एक्सपो जाने का, क्योंकि इसके पास मिनी नोट उसकी रोटेशन में नहीं है. आर्चर्स यहाँ पे, रॉकेट. क्राई फेस बनाना बनता है, क्योंकि रॉकेट एक हार्ड काउंटर है एक्सपो के लिए. बट अगर रॉकेट थोड़ा सा अंडर लेवल हो, तो एक्सपो को एटलीस्ट 3-4 शॉट मिल जाते हैं, अबाउट 150 डैमेज. तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक हम एक्सपो डिप्लॉय होगी, वो अपना रॉकेट चलाएगा, तब तक एक एलिक्सर ऑलरेडी जा चुका होगा. आइस स्पिरिट स्प्रे को रिस्क करने के लिए. स्केलेटन इस, नेवर माइंड, क्या घटिया स्केलेटन प्लेस किए मैंने. एक्सपो जाएंगे इस ऐप. आइस गोलम यहाँ पे, चलो एटलीस्ट इसको लॉक तो हुआ. फायरबॉल, फायरबॉल. कुछ हद तक डैमेज हमको मिल गया है. हम चाहें तो स्पेल साइकिल कर सकते हैं, बट उसके बाद हमसे ज़्यादा बड़ा स्पेल है रॉकेट. वो अगर स्पेल साइकिल करना शुरू हुआ, तो एटलीस्ट हम उसको 3 स्पेल लगेंगे, बट मुझे स्पेल साइकिल करने में अबाउट 7-8 लग जाएंगे. टेस्ला इसके लिए, क्योंकि ज़रूर प्रिंस आ रहा होगा, पता था. फायर ब्रो करेंगे इसको. आइस कॉलम यहाँ पे, आइस स्पिरिट यहाँ.
स्केलेटन्स विज़र्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक्सपो जाएंगे यहाँ पे, लॉक ऑन प्लीज। ओके फायरबॉल यहाँ पे, कूल। आई थिंक हम जीत सकते हैं। एस्पिरेट फ्रीज करने के लिए एंड गुड गेम बनता था ये तो। फाइनली उसने अपना जैन स्केलेटन पीछे प्लेस किया एंड थैंक गॉड वी वॉन वन मैच एटलीस्ट। नेक्स्ट मैच की ओर चलते हैं, ये है लूपिंग के अगेंस्ट अटल्स ओनली। लगता है इस क्लैंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। एनीवेज ये है लेवल 10 फिर से, तो मे बी उस पर हाई लेवल कार्ड्स हों, एटलीस्ट लेवल 3 प्रिंसेस ना हो बस। तो अब हमारे पास, हम सीधा एक्सपो जा सकते हैं चाहें तो, हम चाहें तो आई स्पिरिट जा सकते हैं, स्केलेटन्स को साइकिल कर सकते हैं। आई स्पिरिट ही जाने की सोच रहा हूँ क्योंकि स्केलेटन्स प्रिंस वगैरह के में बड़ा काम आते हैं, बट स्केलेटन जाएंगे, आई स्पिरिट का भी पता नहीं कब काम आ जाए। अग्रेसिव एक्सपो जाना। ओके जैप करेंगे इसको और फायरबॉल करेंगे गॉब्लिन बैरल को। लेवल 10 गॉब्लिन बैरल, लेवल 10 मिनियन नोड एंड लेवल 9 विजर्ड। यही होता है प्रॉब्लम अगर तुम ज़्यादा हाई लेवल वालों से मिलो। ओ ये किस चीज़ का फायरबॉल किया था उसने बाय द वे? उसकी एक फायरबॉल से हम 1000 डैमेज के डेफिसिट में आ गए। टेस्ला यहाँ पे, आइस कोलम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उस पर विन कंडीशन गॉब्लिन बैरल है एंड मिनी पैकअप। ओके आई स्पिरिट यहाँ पे, आई थिंक आई स्पिरिट की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, बट कभी कभी क्या होता है मैं डिफेंस करने में ओवर स्पेंड कर जाता हूँ जो बाद में बहुत काम आता है। इसकी इसमें ज़रूरत नहीं थी फायरबॉल की, मैंने कहा था डिफेंस में ओवर स्पेंड कर जाता हूँ मैं। अब क्या कर सकते हैं, एक्सपो जा सकते हैं दूसरी लेन में या उसी लेन में जाएं। जैप करेंगे इसको, आई थिंक इसकी भी जरूरत नहीं थी, मैं जैप क्यों कर दिया। मैं अपने 6 इलेक्सर ऐसे वेस्ट कर दिया। ओके अब जाएंगे एक्सबो, एस्पोलम आगे। क्या है उसके पास? आर्चर्स, स्पिरिट से करेंगे फ्रीज, लंबर जैक। ओके टेस्ला यहाँ पे, स्केलेटन्स यहाँ पे। ओके कुछ जूसी डैमेज मिल गया एटलीस्ट हमारे उसको, एक्सपो को। मिनी पैक का, और इसके लिए फायरबॉल करेंगे यहाँ पे, आई स्पिरिट यहाँ पे। स्पेल साइकिल करना चाह रहा हूँ हमको। ओके तो जैप एंड स्केलेटन्स इसके लिए, आइस गोलम लंबा जैक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आर्चेस उसके पीछे क्योंकि उसकी फायरबॉल रोटेशन में नहीं है। अब जाएंगे एक्सबो और टेस्ला, क्योंकि टेस्ला के लिए, बट फायरबॉल इस सबके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक्सबो कहीं अब क्या कर सकते हैं? ओके वो स्पेल साइकिल करने में लगा हुआ है। एक और बस, एक लॉक ऑन चाहिए, काम ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक यही मौका है। आइस गोलम यहाँ पे, लेट हो जाता हूँ आइस गोलम में हमेशा मैं। अब फिर से फायरबॉल करेगा, फिर से गॉब्लिन बैरल आएगा, लेकिन अब नहीं, अब फोकस करना है अटैक पे, डिफेंस पे नहीं। टेस्ला बस यही टाइम है। एक्सपो ने फाइनली लॉक किया, डिफेंड बचा ही नहीं, फायरबॉल करेंगे ख़त्म करने के लिए गेम को, और फाइनली एक और विक्ट्री मिली हमको। काफ़ी टफ गेम था, उस पर हाई लेवल कार्ड्स थे एंड वो बहुत एंग्री है काफ़ी अच्छा खेला उसने, बट सीरियसली काफ़ी टफ था ये वाला। तो ये थी आज की लास्ट मैच, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। ये है डेक, एक सेकेंड वॉर। ओके हाँ, 1 घंटा 26 मिनट बाद मुझे वॉर में अटैक भी करना है। ये कार्ड्स कलेक्ट किए हैं हमने, ये डेक मैंने बनाया था बहुत पहले,
मैं और क्या बना सकता हूँ, कोई आइडिया नहीं है। चलो एनीवेज वीडियो ख़त्म करेंगे आज के यहीं पे। देख अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करना, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लैशिंग।